चलिए सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर, जहां पर पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। एक समय था जब पत्रकार स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करता था, संपादक उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर देते थे, लेकिन आज न पत्रकारों की सुनी जाती, न संपादक की सुनी जाती, जबकि एजेंडा सेट करने का काम मीडिया के मालिकों का है। क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है, ये पत्रकार तय नहीं करते, मीडिया के मालिक करते। तो आज जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी छप रहा है या हम कुछ देख और पढ़ पा रहे हैं, वैसा ही नहीं दिख रहा है, वैसा ही नहीं छप रहा है जैसे पत्रकार अनुभव है। अभी स्वागत भाषण में जब प्रथम पत्रकार सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू जी को आमंत्रित किया गया, 100 रुपये के चेक भेज किया गया, उसे आज तक बनाया नहीं गया, सुरक्षित रखा गया। चलिए साहब, आज तक की जितनी समस्याएं हैं देश में, उसके लिए जिम्मेदार तो नेहरू जी थे। एक और जिम्मेदारी नेहरू जी के हाथ पड़ी कि आपके संदर्भ से पहले पहले कार्यक्रम में नेहरू जी हैं। देश की आजादी की लड़ाई में बहुत कम समाचार पत्र निकलते थे, गांधी जी लिखने का काम करते थे, उन्होंने तो अपना यंग इंडिया और हरिजन पत्र ही निकाला था। सरदार भगत सिंह जी भी छंद नाम से क्रांतिकारी लेख निकल करते थे, नेहरू जी नेशनल हेराल्ड के माध्यम से अपनी बात कहते थे, लेकिन ऐसे भी पत्रकार थे, ऐसे भी समाचार पत्र निकलते थे, साप्ताहिक या पाक्षिक, जो अंग्रेजों के समर्थन में किस प्रकार से समाज में भेद डाला जाए उसकी भी रणनीति बनती थी। कारण साथियों, देश के निर्माण में विचारधारा की लड़ाई में मीडिया का बड़ा योगदान और पत्रकारों का बड़ा योगदान, न उसे भुलाया जा सकता, न उसे कम किया जा सकता। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के ऊपर बहुत हमले हुए हैं, देश में भी प्रदेश में, और इसलिए मांग उठती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, और इसके लिए हमने सहमति दे भी दी और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी गई है, और जैसे रिपोर्ट मिलेगी देश का बड़ा दे रहे आप लोग खड़े होकर बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, पत्रकारों के अधिमान्यता की बात आती है, जब कोई घटना घट जाती है, कोई बड़ी अच्छा लेख होता है, तो मीडिया के लोग बोलते हैं कि हमारा पत्रकार है, और कोई घटना घट जाए, पुलिस केस हो जाए, तो फिर मीडिया सब लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा नहीं।
और इसलिए अधिमान्यता केवल न केवल प्रदेश स्तर के, न केवल संभाग स्तर के, न केवल जिला स्तर के, बल्कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे। पत्रकार पूरे जीवन भर समाज के लिए संघर्ष करता है, समाज के विसंगतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और जब शरीर थक जाता है तो मालिक भी उसे छोड़ देते हैं और समाज भी नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में हमारी पहले रिटायर बैंक के जो एज 65 या 65 वर्ष थे उसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। पिछली सरकार ने 5,000 रुपया मासिक सम्मान निधि रखा था और केवल 5 वर्ष के लिए हमने उसे 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया और 5 वर्ष की जो अवधि है उसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया। आजीवन है उसे ये हो गया जो रिटायरमेंट की बात है। लेकिन जो रिटायरमेंट नहीं हुए नौजवान है उनके लिए भी हमने पिछली सरकार में 5,000 से 50,000 तक के इलाज के लिए राशि देने की व्यवस्था की थी। हमने उसे बढ़ाकर 10,000 से 2,00,000 रुपये करके इलाज किया। क्योंकि जितना आप स्वास्थ्य या अपने परिवार से कठिनाइयों से जितना ही आप निश्चिंत होंगे उतने ही अच्छे ढंग से समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, समय दे सकते हैं और सही बात समाज के सामने ला सकते हैं। और इसलिए जो बंद पड़ा छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। साथी हेमंत तिवारी छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल। पत्रकारों की चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया, इसके साथ ही कई सौगातें देने की बात उन्होंने इस दौरान कही है।